सुप्रीम कोर्ट ने मोहाली अदालत दे नोटिस ते रोक लगाउंदे कहा कि साबका डीजीपी सैनी नू गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस अशोक पान, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी अते जस्टिस एम आर शाह दे बेंच ने सैनी दी पटीशन ते सुनवाई की। मोहाली दी अदालत ने पंजाब दे आईएएस पुत्र बलवंत सिंह मुल्तानी दे अगवा अते कतल दे मामले विच पंजाब पुलिस दे साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सैनी दी अगाऊ जमानत पटीशन उत्ते अज सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मोहाली अदालत दे नोटिस ते रोक लगाउंदिया कहा कि साबका डीजीपी सैनी नू गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस अशोक पान, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी अते जस्टिस एम आर शाह दे बेंच ने सैनी दी पटीशन ते सुनवाई की। सीनियर वकील अते देश दे साबका अटारनी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट विच पंजाब दे साबका डीजीपी सैनी दा पक्ष रखिया। रोहतगी ने अदालत नू दस्या कि उसका मुवकिल एक नामवर अधिकारी सी। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ केस होने कारण सैनी खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ओह पहला ही अपनी सेवा तो सेवा मुक्त हो चुके हैं। दसणयोग है कि हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते विच केस विच फरार सुमेध सिंह सैनी दी अगाऊ जमानत पटीशन खारिज कर दिती सी। इस दे नाल ही मोहाली दी अदालत ने सैनी दी अगाऊ जमानत पटीशन खारिज करन तो बाद 1 सितंबर नू गैर जमानती वारंट जारी किया सी। पंजाब पुलिस दियां कई टीमां सैनी दी भाल विच पंजाब चंडीगढ़ तो इलावा दिल्ली हिमाचल प्रदेश विच छापेमारी कर रहियां पर अजे तक ओह पुलिस दे हाथ नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनक पंजाब TV।